अच्छा तेल निकला है। कितना तेल निकल गया? थोड़ा ही निकला है। तेल कम निकला है इसमें क्या? कल कल रखे धीरे रखना। आराम किया दोनों तछला ऊपर को चले जाए तेल के साथ साथ ही। चलो इन ले जा, 2 लीटर तेल निकला है नीचे। सतारा को का कितने का? 16 का है। कितने का लगा रहा है? अरे 16 का लग गया है। कितने का? 14 का। भोसड़ी का देख लिया कर। ए गाली मत दे साले, रिकॉर्डिंग चल रही है, ऐसी गाली आई उसमें। भैया खोल के देना। ये रहा 16 मिल गया। आंधे में थोड़ा सी दर्द लग गया था। ये रहा वो तो 15 को का देख। भोसड़ी के खोल रहा ना, मुझे दिक्कत ना करा सर। चलो चलो अब फटाफट खोलते हैं। बहुत लगा दो बढ़िया तरह लग गए पैसे। और बढ़िया तरह इसको ईट निकाल देनी नीचे। वो निकाल दिए बढ़ते माँ दाने मरवा रहा तुमने चिक्कड़ चे पैंच कटवा लेना थी उरे मरवा रहे और बाढ़ दे उधर और बाढ़ लेके जाएगा नहीं किचड़ में लेके जाएगा। ओ यार ये तो दिमाग में खोलूंगा भी नहीं। टापा खोलेगा है भी सर? मैं खोल और कुछ नहीं देखी। चल खोल खुल जाएगा। मैं जा रहा हूँ उधर वाला खुलने में पर दे क्या गिर खुलेगा क्या गिर? इसको छोड़ो उधर ही चलते हैं। कोई नहीं पहले तो इसको खोल रोशन की मेहरबानी यूँ ना करे साले गन में लेके गिर बैठा है। ये मैंने कह रहा था कटवा दो रखते थोड़ा साफ सफाई भी होती है यहाँ पे। पहले से ही था बारिश होता है उसी में। मैं जा रहा हूँ उधर होजी होजी खेडांगा खुलांगा जाके। कुछ लोड है ना मैंने दस दे मैं जावा तो अंदर दे दे और बूस्ट की बचा ला रहा कि तेन गोटी दे मार पा दे। 11 भी नहीं बजा। 11 भी नहीं बजा आज ही उधर भैन से उधर मैं टिकट से निकलता बनी उधर किधर लेके चला गया गोटी चुना यहाँ से घुमाओ तो शापट घूम रही है शापट जो गिरा रही एकदम एकदम चमकता हुआ गेयर निकला भाई। क्या वो खोली नहीं उधर? एक ही खोल लेते ना दोनों बंदे पहले। ओ बस तेरे ने चेक करके मत नहीं दे दे ले जा ये भी एक गेट अपना कितने से आराम ना करना। तेल है इसके अंदर का तेल तो बहुत निकल रहा है इसमें।
एम रोशन तेल तो इसमें काफी निकल रहा है अभी। फिर क्या करो कल उसे बुला रहे ना, तेल निकाल ले इसमें और कितना निकलेगा प्लेट उसको देख, ज्यादा हो तो निकाल लेगा, थोड़ा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देख कितना निकल रहा है, ज्यादा थोड़ा बहुत ही होगा तेल तो, ज्यादा नहीं होगा कोई खास। जेड एफ का गेयर है भाई, वही पूछ रहा था मैं, जेड एफ का है कौन सा ज़्यादा में तो पता है कि 40 नंबर, 60 नंबर, 50 नंबर, 75 नंबर। अच्छा तो लीलैंड में क्या क्या गेयर से पाया जाता है नाम के हिसाब से? अशोक लीलैंड का गेयर है ये, जेड एफ अशोक लीलैंड है, जेड एफ है। इसका पुलिस का भी वही पंखा रहता है, तो यहाँ से खोलने के बाद गेयर दो भाग में लग जाएगा, ये नट खोलने के बाद दो भाग मट जाएगा गेयर करें। यहाँ से जो ये नट खुले है, ये नट अच्छा चिलम निकल जाएगी, टाप की चिलम निकल जाएगी। अच्छा चिलम बोलते हैं इसको, ये चिलम निकल जाएगी, फिर गेयर दो हिस्सों में आ जाएगा, ये फिर गेयर दो हिस्सों में आ जाएगी, गराजी अलग अलग हो जाएंगे दोनों। फिर अंदर से मिस्त्री जो खोल रहे हैं ये अलग अलग पार्ट्स निकालेंगे, फिर पता लगेगा इसके अंदर खराबी क्या है और अच्छाई क्या है। अच्छा ऐसे तो कुछ भी पता नहीं लगता है कि दागी है नहीं है दागी, वो सब बात को ही पता चलेगा जो भी उसमें, जब तक खुलेगा नहीं वैसे पता चलता है। ये वाला हिसाब है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं है, जब तक खोलेंगे नहीं तो बताएंगे क्या। चलो कोई नहीं लगोगे भाई, ये तो जैसी बात है, बिल्कुल ये बात तो सही है भाई तेरी, कप्लीन होता है इससे तो वो कप्लीन होता है। अच्छा अच्छा पीछे वाला गियर पहले वो फंसा के तो खुलता है ना आगे का है? नहीं यार वो जो होता है ना कप्लीन होता है जो सावट के साथ। अच्छा वो पड़ी है पीछे, वो कप्लीन होता है, चार सुराग वाला जो है, किसी में आठ सुराग भी होता है, किसी में चार सुराग होता है, किसी में चार सुराग जीरी वाली होती है। अच्छा अच्छा तो मसला यही है कि जब तक गियर खुलेगा नहीं तब तक पता नहीं कर पाएगा बंदा कोई भी कैसा है कैसे नहीं, मतलब घुमाने से कुछ पता नहीं चलेगा इसके अंदर, घुमाने से तो पता नहीं चलेगा, अगर गियर में आवाज़ आने लग जाए, अगर निकलने लग जाए तो है ना, अगर आवाज़ डाउन रहेगी तो निकलने लग जाएगी, आवाज़ करने लग जाएंगे, मतलब ऐसे नॉर्मल हाथ से घुमाने से कुछ पता नहीं चलेगा इसमें गियर में कितने परसेंट है। अच्छा वैसे अंदाज़ा लगा लो भाई मोटा मोटा, बाकी जानकारी पूरी हो खुलने के बाद ही कि घर आगे कौन सही है कौन सी खराब है। अच्छा रिपेयर तो हो जाता है वापसी ये? हाँ जी रिपेयर सारा कुछ होता है, ऐसा कोई है नहीं कि रिपेयर ना हो, मैं तो कहना बंदा दोबारा चाहे रिपेयर करके फिट करते। जो मिस्त्री करवा लो, मिस्त्री लगा हुआ देखो छोटा सा उम्र का, नहीं वही तो मैं कह रहा था मिस्त्री जरा सा है और देखो कारीगरी पूरी है बंदे में, उम्र देखो जरा सी, देखो रोशन भाई हमारा मिस्त्री कम उम्र भाई नहीं रोशन तू मेरा भाई है मेरा, ये उम्र तो कम है पर मिस्त्री पूरी जानकारी पूरी गाड़ी जानकारी पूरी है बंदे को, कोई सा भी गियर खुलवा लो इसके बाद आपको दिखाएंगे, 60 नंबर गियर खोल के बंदा दिखाएगा आपको, ये फिट कर देता है खोल देता। हाँ कुछ भी कोई भी काम करवा लो इससे, ये सब इंजन रखे ये सब खोलने वाले ही हैं, ये खोल देता है सारे इंजन, कोई सा इंजन खुलवा लो कोई सा गियर खुलवा लो और फास्ट देखो कितना खुलता है गियर, ये सुपर फास्ट काम करता है, स्पीड है बंदे के हाथ में, ये भी तो लगा हुआ है यार, तभी इतना कम उम्र में नॉलेज आ गया, नहीं तो इतना कम उम्र का बच्चा बोल्ड खोलना नहीं पता, बोल्ड पाना कौन सा पता नहीं रहता है कि पेंट कैसे पाए है ना, कौन सा पाना कहाँ लगना है फिर इसमें तो पता ही नहीं है। भाई नहीं है तू मेरा भाई नहीं है उसके, अभी सारे नेट तो खुल चुके हैं रमेश भाई, नहीं भाई ये नीचे एक नेट रहेगा यहाँ पहले है, ये है कम से कम होंगे 5-6 नेट इधर आए, ये 5-6 नेट निकलने के बाद अपने गियर खुल जाएगा फिर है, फिर ये शावर जो पूरी बाहर आ जाएगी। चलो कोई नहीं 4-5 नेट खोल ले उसको, ये ना ख़राब है ये अच्छे कट गई यहाँ से, इसलिए ये पहचान है, ये इधर से ज़्यादा कट गई इधर से कम कट गई, ये टाप ये ख़राब है, ये कटी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल है, ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल। चलो ये पता चल गया स्टाफ कटी है इसमें स्टाफ खराब है, कोई भाई गियर चेक करना चाहे इस तरीके से गियर चेक करा जा सकता है।